मेरा काम खाद बीज का है, समरवाड़ा में दुकान है मेरी और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ 91-40 का। मैंने लगभग एक साल पहले 10 टन करीब मक्का बेचा है सभी किसानों ने। सर जब बताया तो मेरा नमस्कार, आप मुझे जानते ही हैं, मैं नेस्वर सीड कंपनी से हूँ और मेरा नाम शंकर झारिया है। आज किसान संगोष्ठी के उपलक्ष्य में ग्राम सर्रा विकास खंड चौरई में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर महोदय भी हैं यहाँ, सुमेश सिंह जी पटेल, और उनका खाद बीज का दुकान भी है समसवाड़ा में। आज यहाँ हम किसान संगोष्ठी का आयोजन किया है जिसमें मक्का 91-40 की जो खूबियाँ हैं, बारीकियाँ हैं, उसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। इसमें और भी अन्य फसलों के विषय में भी आपको जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो मक्का है 91-40 मक्का, ये इसका जो जड़तंत्र है थ्री लेयर में आता है। यदि थ्री लेयर में यदि इसका जड़तंत्र आएगा तो स्वाभाविक है कि इसका जो भुट्टा आएगा, ये इसकी जो पत्तियां आएंगी एकदम हरापन रहेगा पत्तियों में, और इसका भुट्टा हैवी आता है, मोटा आता है, और दाना चमकदार वजनदार आता है। दूसरी बात यह है, यह जो मक्का है 120 से 125 दिन में परफेक्ट रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है। तीसरा, इसका जो उपज है, अभी आपके यहाँ जो हमने अभी उपज की जानकारी लिया है, सुनील सनोदिया है, संजू बेनीराम कुर्सी भाई और हमारे सुबेर पटेल साहब लगभग 50-100 एकड़ में इस मक्के को उपयोग करते हैं, लगभग 30-35 का उत्पादन सरल आ जाता है। मक्के की 2-3 ऐसी विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम, ये मक्के की जो ऊंचाई आती है लगभग 5.5 से 6 फीट की आती है, 2 से 2.5 फीट में भुट्टा आता है, और थ्री यदि लेयर जड़तंत्र है तो गिरने की संभावना ना के बराबर है। दूसरा, इसका जो उपज है अन्य मक्का की अपेक्षा 5 से 7 क्विंटल अधिक आता है। उसका कारण यह है कि इसका जो दाना आता है लंबा आता है, आप देख सकते हैं इसको, इसका दाना लंबा और चमकीला वजनदार नारंगी रंग का आता है, और इसकी जो छुई होती है जिसकी यदि दाना लंबा और गोल्ड रहेगा उसकी छुई बारीक ही आती है, जिससे कि उपज अधिक ही आएगा। ये दो कारण मेन है जिससे कि इसका उपज 30 से 35 क्विंटल के आसपास आता है। दूसरी मक्का हमारी है 955, जो कि 90 से 95 दिन में तैयार हो जाता है। ये मक्का आपकी हल्की जमीन, बर्रा जमीन या पत्थर जमीन में भी ये मक्का हो जाती है। ये आप इसको हरे भुट्टे के रूप में 60 से 65 दिन में इसका उपयोग कर सकते हैं और मार्केट में भी विक्रय कर सकते हैं। इसका उत्पादन लगभग 20 से 22 परसेंट के अंदर आता है, कम दिन में भी ये उपज बराबर देता है, और आप किसी भी जमीन में इसको उपयोग कर सकते हैं, हैवी सॉइल में भी ले सकते हैं या मीडियम में भी ले सकते हैं, और पत्थर जमीन के लिए तो बहुत उपयोगी मक्का है। तीसरा जो उत्पाद है हमारा सब्जियों का है इस कंपनी में, सब्जी का जो बीज है टमाटर और भिंडी विशेष रूप से, और भी सब्जियां चलती है जिसमें गीची है, लौकी है, करेला है, खीरा है, लेकिन हम भिंडी और टमाटर में ये कंपनी बहुत शानदार बीज दे रहा है और किसानों को कम रेट में भी लोगों को मिल जा रहा है, लगभग 4000 के आसपास का बीज आता है। भिंडी की जो वैरायटी है गंगा है, बहुत शानदार वैरायटी है, और अभी आपके एरिया में कहाँ लगा हुआ है जी? ये लगा घोड़ावाड़ी, घोड़ावाड़ी किसके रामदयाल सनोडिया के यहाँ लगभग 1/2 से 1 किलो भिंडी लगा हुआ है, और आपके राम सनोडिया जी के यहाँ टमाटर भी लगा हुआ है, लाली के नाम से है, इसका पोटा छिलका आता है, और लंबे समय तक की वैरायटी 4 से 6 महीने तक चलती है, और लगभग भिंडी में 30 से 40 जोड़े तक आते हैं, और अन्य अन्य ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जो कि इस कंपनी में उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, हमारा मुख्य जो आज का ये उद्देश्य है, मक्का की खेती में 91-40 का आपको उपयोग करना है, जिससे कि आपके क्षेत्र में उपज, आपके खेत में उपज अच्छा है, जिससे आपको आमदनी हो। हम यही चाहते हैं कि आप मक्का 91-40 अधिक से अधिक लगाएं और उत्पादन पक्का पाएं। आज मेरे साथ पटेल साहब हैं, इनका खाद बीज का भी दुकान है, और आज यहाँ कार्यक्रम भी किया है, माने किसान संगोष्ठी का आयोजन किया है,
तो मैं भी उनसे जानना चाहूंगा 91-40 के विषय में कि आप सभी किसान भाइयों को रूबरू कर। सब लोगों को नमस्कार भैया, मेरा काम खाद बीज का है, समाधवाड़ा में दुकान है मेरी और मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ 91-40 का। मैंने लगभग एक साल पहले 10 टन करीब मक्का बेचा है, सभी किसानों ने अच्छा रिजल्ट बताया है और इस बार भी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचा हुआ लोग कभी ऐसा नहीं।